हिरणों के प्रजनन का मौसम है। वो एक दूसरे को आंक रहे हैं, धीमी रफ्तार से सदा हुआ प्रदर्शन तिरछी नजरें मिलाते हुए। ऐसे वक्त में नर हिरण आसानी से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी ओर रहता है और वो अपनी सुरक्षा से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन हिरणों की इतनी बड़ी संख्या से दूसरे खतरनाक शिकारी आकर्षित हो जाते हैं। और केनाई का झुंड ये जानता है। आज वो पड़ोसी इलाके में काफी अंदर तक चले आए हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। ये घुसपैठ करने वाले कम उम्र और नौसिखिए हैं, इसलिए ये साहसी कारनामा जान के लिए खतरा बन सकता है। लंगूर की चेतावनी की आवाज से तेंदुआ चौकन्ना हो गया है। उसने नजदीक ही एक जानवर मारा है। तेंदुआ अपने मारे हुए शिकार को देखने पहुंचा है, लेकिन उसके पहले ही कुत्तों के झुंड की दावत शुरू हो गई है। कुत्ते जानते हैं कि उन्होंने जोखिम उठाया है, इसलिए वो पूरी तरह सावधान है। वैसे तेंदुए का आकार जंगली कुत्ते से 3 गुना बड़ा होता है, लेकिन पूरे झुंड को देखकर वो पीछे हट जाता है। बॉस आज के काम से बेहद खुश है, बिना मेहनत किए इतना कुछ मिल गया। उसने जो दांव चला था वो कामयाब रहा। मैं कह नहीं सकता कि केनाई और उसके झुंड के लिए ये सही है या नहीं। जंगल हरा भरा हो गया है और सभी जीव जंतुओं के लिए जिंदगी आसान हो गई है। मैंने इस झुंड पर पूरे दिन नजर रखी है। यूं तो कुत्ते तनाव रहित नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नई समस्या की शुरुआत नजर आ रही है। पिछले साल जन्मे केनाई के दोनों बेटों यानी जुड़वां भाइयों का कहीं कोई नामोनिशान न पाने से मैं परेशान हूँ। वो तेजी से बड़े हो रहे हैं और आजकल थोड़ा अलग थलग नजर आ रहे हैं। वो झुंड को छोड़कर अक्सर अकेले ही कहीं और निकल जाते हैं। पहले कुछ मौकों पर तो ये दुस्साहस कुछ घंटों के लिए होता था। कभी कभी वो थोड़ी सी दूर निकल जाते हैं, कभी और आगे भी। प्रणय मिलन के लिए दूसरे झुंड की मादा की खोज में वो गंध के निशान छोड़ते जाते हैं और हर बार इलाके से बाहर निकलने पर अपनी खोज का दायरा बढ़ा देते हैं। पहले तो अकेले निकलने पर वो काफी घबराए हुए रहते थे, लेकिन इस बार वो काफी दूर निकल गए हैं अपने झुंड के इलाके से बाहर, और लगता है अपनी हरकतों पर उन्हें बहुत भरोसा भी है। अनजाने इलाकों में घुसपैठ तो उम्र के साथ अनुभव बढ़ाने का हिस्सा है, झुंड से पूरी तरह अलग होने से पहले का एक सहज अभ्यास है। करीब 3 किलोमीटर दूर केनाई का बाकी दल आराम कर रहा है। सिर्फ जुड़वां भाइयों की बहन चुकी ही अपने भाइयों की कमी महसूस कर रही है, और हाँ, दूसरी मादा छोटी भी। केनाई का व्यवहार सामान्य है, मानो किसी भी वक्त वो उसके पास आ जाएंगे। लेकिन लगता है कि दोनों भाई अपनी नई आजादी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। अपने झुंड में उन्हें कोई मन मुताबिक साथी नहीं मिल पाती, क्योंकि सारी मादाएं उनकी रिश्तेदार हैं। उस पर दोनों युवा कुत्तों के झुंड का नेता बनने की संभावना भी कम है, क्योंकि ताकतवर तेज तर्रार मुखिया से उनका रिश्ता नहीं है। वो उन्हें वरिष्ठता क्रम में ऊपर बढ़ने नहीं देगा। इसके विपरीत, चूंकि दल का नेता उनका संबंधी नहीं है, इसलिए उनकी बहन चूकी के लिए दल में बने रहना फायदेमंद होगा, क्योंकि वो शायद किसी दिन अपनी माँ का स्थान ले सकती है,
दोनों भाइयों के लिए जरूरी है कि वो अलग निकल जाएं और अपना एक अलग दल बनाएं।